ओके, तो यहाँ पे बहुत से लोगों का जो जियो 5 है, यानी जो जियो का मिनी वाईफाई आता है, वो उनका ऑन करते साथ ही स्टक हो जाता है, यानी कि सब लाइटें जलती रहती है। यहाँ पर मेरा तो ठीक कंडीशन में है, लेकिन सब लोगों का लाइट अगर जल रही तो पूरी लाइट जलती ही रहती है, वो बंद चालू नहीं होती है और उनका वाईफाई काम नहीं करता है, यानी कि वो एक सिचुएशन में स्टक हो जाता है। तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और जो मैं बताऊँगा आपको उसे बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक काम करना है, आपको ना इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। इसे हम ओपन कर लेते हैं पहले, इसकी बैटरी के तरफ से देखिए, इसकी बैटरी को निकाल लेते हैं, ठीक है। ढक्कन आप ओपन कर लीजिए और इसकी बैटरी ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये इसका जैक है बैटरी का, और यहाँ पे देखिए आपको बटन दिखता है, एक बटन दिख रहा होगा बैटरी के जस्ट ऊपर। पहले इसे आपको लगा देना है, फिर मैं बटन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इसे मैंने पुट कर दिया, देखिए ये बटन। अब इस बटन को मुझे लॉन्ग प्रेस करना है, अच्छे से फिट कर देता हूँ पहले बैटरी को। उस बटन को पहले इसे ऑन कर लेना है, यहाँ से पहले ये ऑन हो जाए, इसको मतलब अपने ये राउटर को, अपने जियो 5 को ऑन कर लीजिए। जब ये ऑन हो जाए तो आपको जो मैंने बटन बताया पीछे, रीसेट बटन, आपको सिंपली रीसेट बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। आप जब उसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका ये रीसेट मोड में चले जाएगा, यानी कि जैसा आपने न्यू लेके आए थे वैसा हो जाएगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये रीसेट बटन जो मैंने जैसा बताया था पहले, आपको सिर्फ इसे लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ पर, इसे देर तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है, जिसका नहीं हो रहा था मेरे दोस्तों में, वो सर्विस सेंटर गए थे तो उनकी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी थी, ठीक है।